अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए हम आपके लिए लेके आए हैं आलू और आलू गोभी वाला पराठा, जिसके लिए हमने ये छोटे छोटे से पेड़े कर लिए हैं। और ये गोभी है रात का बचा हुआ सालन, रात को एक टाइम खा के बच्चे सालन दूसरे टाइम पे नहीं खाते हैं। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसके मसाले वगैरह डाल के पराठे बना के दे सकते हैं बच्चों को, जो कि बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। इसके लिए धनिया काटी है मैंने, हरी धनिया है ये 5-6 हरी मिर्चें हैं, और बाकी मसाले आपको साथ साथ बताते जाएंगे। 1/2 चम्मच मिर्च सिर्फ, ये थोड़ा सा नमक क्योंकि पहले भी सालन में शामिल है, अपने अंदाजे के मुताबिक डालें जितना कि आपको पसंद है। उश्क धनिया, ये जीरा, और इसमें जाएगी थोड़ी सी कलौंजी। कलौंजी का तो आप सबको पता है, मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज है। इसको अपने खाने में ज़रूर शामिल किया कीजिए, ये बादी सालन में भी अच्छी होती है। इसको हमने अच्छी तरह से मस वगैरह गोभी को थोड़ा थोड़ा छोटा कर लिया है, और बाकी चीज़ें डाल के फिर करेंगे थोड़ी सी। और तो चले फिर इसको मसाले को ये मिक्स कर लेते हैं मैदे को। चम्मच की मदद से, हाथों से, जैसे आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं इसको। ये हो गया, आप रोटियां बनाते हैं। ये एक रोटी रख ली, अब दूसरी बनाते हैं। छोटी छोटी रोटियां बना के उनमें मेज़ा आपने फैला देना है, फैला के फिर उसको दूसरी रोटी को भी ऊपर इसके लगाना है, लगा दीजिए। अब इसमें मेज़ा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये इसके ऊपर लगा देंगे। इसको अच्छे तरीके से बंद कर दें ताकि इसकी साइडें खुले ना। तवे को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसकी एक साइड हमने चेंज कर ली है, अब दूसरे पराठे को इतनी ये हमारी दूसरी रोटी भी बन चुकी है। अब इसमें मैदा शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा आप अपने अंदाजे के मुताबिक ही डाल सकते हैं। आपको ये ज़्यादा अच्छा लगता है ज़्यादा डाल लें, थोड़ा अच्छा लगता है थोड़ा। मुझे ज़्यादा मैदा अच्छा लगता है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। हमारा पराठा भी तैयार हो चुका है। अब इसमें मक्खन लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा हो चुका है।
अच्छा हमारा पक चुका है। अब से ऑयल घी जैसे घी मक्खन में कुछ भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, जो आपके बच्चे खाना पसंद करें। ये पक चुका है वैसे तो। ये हमारा दूसरा पराठा हो गया, एक साइड से बोले फिर इसकी साइड पलटेंगे। ये पराठा भी पक चुका है, हम इसे भी उतार लेंगे। इसी तरह और पराठे बनाएंगे। ये देखें नाज़रीन, हमारे गोभी वाले पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। इन्हें हम चाय के साथ खाएंगे। आप भी आपका दिल चाहे रायते के साथ या चाय के साथ, जिस तरह आपका दिल चाहे आप इन्हें खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। इधर आपसे नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।